नमस्कार, आप देख रहे हैं यमुना मिशन रात्रि समाचार। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत आज के यमुना आरती मंगला दर्शन के साथ। आज माननीय श्री के एन गोविंदाचार्य जी की यमुना यात्रा का स्वागत यमुना मिशन के द्वारा जैत में किया गया। ये यात्रा दिनांक 27 अगस्त से दिल्ली से आरंभ हुई और अब यमुना के समस्त क्षेत्रों से गुजरती हुई ये यात्रा पहुंचेगी प्रयागराज और उसके बाद पुनः इसी क्रम में वृंदावन से दिल्ली इस यात्रा की वापसी 17 सितंबर को होगी। यमुना के लिए कार्य कर रहे सभी यमुना भक्तों का एक मंच से आवाहन है कि यमुना शुद्ध हो, पवित्र हो, निर्मल हो। इसी उपक्रम में यमुना मिशन के द्वारा इस यात्रा का जैत में स्वागत किया गया। स्वागत में यमुना मिशन के संस्थापक श्री प्रदीप बंसल जी की गरिमामयी उपस्थिति रही। जैत के पश्चात यात्रा वृंदावन की ओर प्रस्थान कर गई, जहां वृंदावन के परम पूज्य संतों के सानिध्य में गीता आश्रम वृंदावन में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें माननीय श्री के एन गोविंदाचार्य जी का भव्य स्वागत किया गया और सभी यमुना भक्तों को यमुना मिशन परिचय पुस्तिका भी भेंट की गई। मैंने देखकर के मैं अद्भुत हुआ हूं जो आपने ये कार्य किया है, बहुत अच्छा। मैं पहली बार आपसे मिल रहा हूं और उस कार्य को देखकर के भी मुझे ये लगा कि वास्तव में आपका भी अद्भुत कार्य है। और वृंदाचार्य जी, आपको बहुत बहुत मंगल कामना। पूरे वृंदावन के साधु समाज की तरफ से आपको बहुत बहुत मंगल कामना और बधाई। आप इसी तरह से भगवत कार्य, ये सब वास्तव में भगवत कार्य है, ये इसी कार्य में आप लगे रहें। परमात्मा आपको बहुत करते रहे और आप ये कार्य जल्दी से जल्दी शीघ्र सिद्ध करें, ऐसी मंगल कामना हो। और आइए अब बिफोर आफ्टर क्रम में आपको दिखाते हैं जयसिंहपुरा का ये स्थल, जहां यमुना जी के किनारे पहले आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की स्थिति थी और आज की स्थिति में जब यमुना मिशन के द्वारा यहां वृक्ष लगा दिए गए हैं, तब ये पथ सुंदर और सुहावना हो गया है। यहां की हरितम शोभा से अब यमुना तट सुशोभित हो रहे हैं। यमुना मिशन की सेवा साक्षात ठाकुर जी की सेवा है, यमुना जी की सेवा है, प्रकृति की सेवा है और इस सेवा का आशीर्वाद पूर्णतया प्राप्त है यमुना मिशन के संस्थापक श्री प्रदीप बंसल जी को। और इस आशीर्वाद के साथ पूरे ब्रज क्षेत्र में ही नहीं बल्कि भारत के भी विभिन्न क्षेत्रों में आज यमुना मिशन सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। आइए इसी क्रम में सुनते हैं आशीर्वचन परम पूज्य महंत स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज। आज बड़े हर्ष का समय है, हम अपने बंसल जी को या उनके समग्र परिवार को हृदय से, मैं शुरू में देखा था जब से हमारा मन बड़ा गदगद था, इनके प्रति हम क्या कहें, एक ही हृदय है, एक ही स्पूर्णा है और हम पहले से जानते हैं। बाहर भी गए बंसल जी के साथ, महाराज जी के साथ, तो कई देशों में परिभ्रमण किए, तो इनके स्वभाव को, इनको, ये लोग तो जन्मजात संत हैं और संत की स्थिति क्या है, करनी क्या है, संत विटप सरता गिर हरनी पर हित हेतु सवन की करनी। तो संत और जो संतों के द्वारा ही ये जो है वृक्षारोपण और ये भूमि को सुंदरीकरण किया जा रहा है, ये इतना बड़ा कार्य सदियों से चला आ रहा है। इस तरह का ये सब यहाँ पर गंदगी और सब, माने कितने कितने यहाँ के राजा बदले होंगे, माने क्रांति, और बड़े बड़े कर्मठ आए होंगे,
लेकिन आकर के हिम्मत नहीं पड़ी होगी कि इसको संभाले। और ऐसी बात नहीं, उनके उनके प्रति, ब्रज के प्रति बहुत बड़ा संभाव भी होगा, इच्छा भी प्रकट होती होगी करने की, लेकिन ये सौभाग्य सद्भाग्य किसी जिसको ठाकुर अपना मानते हैं, जिसको जिसके ऊपर संतों की सदगुरुजनों की कृपा है, आशीर्वाद है, उनको प्राप्त भगवान का ये परम कार्य, ये परम सेवा प्राप्त हुई। ऐसे हमारे ब्रज के सभी संत, ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी योगी यति सबकी जो है, हमारे बंसल जी और बंसल जी परिवार के सबकी कृपा है, सबके आशीर्वाद है। पूज्य हमारे सतगुरु भगवान की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, पूज्य मनु पीठाधीश जी महाराज के, पूज्य पथमेड़ा जी वाले महाराज जी के, और भी संत, बड़े से बड़े संत ने उनको आशीर्वाद दिया और प्रेरणा दी। और प्रेरणा आशीर्वाद उन्हीं पर काम करती है जिनके अंदर करने की इच्छा हो, जिनके अंदर करने का एक भाव हो। तो प्रेरणा तो सब सबको देते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन जो जिनके अंदर करने का जज्बा हो उनको प्रेरणा लगती है, उनको आशीर्वाद लगते हैं। और ये ऐसा परम कार्य जो यहाँ पर हम देखे हैं, संत लोग जो भी आता है सब जो है हृदय से गदगद हो जाता है, और उसको कहना नहीं पड़ता, हृदय से आशीर्वाद नहीं देता, जो उनकी प्रसन्नता है। और इस तरह का मथुरा में ब्रज में कार्य हमने देखा, सरकारों ने भी बहुत प्रयास किए, बड़ी योजनाएं बनाई, बड़े वो बनाए, लेकिन कोई कर नहीं पाया, कोई उतरा नहीं। लेकिन हमारे बंसल जी जो हैं, संतों के आशीर्वाद से, सतगुरु के आशीर्वाद से, और अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से, और अपने पुण्य के प्रभाव से इस कार्य में लगे, और जब से लगे तब से अखंड चल रहा है, ये अखंड चल रहा है पूरी दिवाली। और उनके समग्र परिकर को लेकर के, समग्र परिकर को लेकर के, और अपने और विश्वास कितना है, धैर्य कितना है, ये हम देखते हैं, कभी किसी से बिगड़ते नहीं है। और जो आता है इनके साथ जुट जाता है वो उनका हो जाता है, चाय मिल जाए तो थोड़ी देर के लिए, चाय के लिए, बाकी चाय मिली फिर आनंद। तो हाँ, तो ये ऐसा ब्रज का कार्य है, मथुरा का कार्य है। और हमने सुना है कि बंसल जी हमारे वहाँ चित्रकूट में भी जाकर के वृक्षारोपण किए, और पथमेड़ा राजस्थान में भी वहाँ भी सेवा की है, रेत में इतना हरियाली कर दी, रेत में हरियाली की है, रेगिस्तान में हरियाली की है, जंगल जंगल किसी के जंगल माने एक जगह हरियाली, माने कितने दिलों को, हृदयों को जो हरा भरा करते हैं, प्रसन्न है, जो जाता है ना उसका दिल हरा भरा हो जाता है। तो इस तरह के कार्य हमको बहुत अच्छा लगा, और कौन कर सकता है ऐसा, जो भक्त ऐसा जो लाल जहाँ प्रकट हुआ हो, ब्रज के हैं, ब्रज में प्रकट हुए, तो उनके लिए कहा है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती। तो ये जो सेवा कार्य में, जो समाज के कार्य में, जो परमार्थ में लगे हैं वो संत हैं, और उनके लिए जिस कुल में वो पैदा हुए वो धन्य हो गए, कुलम पवित्रम पवित्र हो गया, अनंत अनंत कार्य। हाँ, तो पवित्र हाँ ये बात। और वसुंधरा ये जहाँ प्रकट हुए वो भी पुण्यवती, वो भी गदगद हो रही है, ऐसा लाल प्रकट किया है, ऐसा लाल प्रकट हुआ है सदियों में, जिसने आकर के यहाँ पर ये सेवा कार्य किया। और यहाँ से तो अब तो मथुरा और वृंदावन एक हो गया, एक हो गया, और कालिंदी के दर्शन करते हुए चले जाओ धीरे 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 बिहारी जी, और वहाँ से चलो यहाँ द्वारका जी, और ये कार्य रुकेगा थोड़ी ना, रुकेगा नहीं, ये तो चलता ही रहेगा, ये तो चल गया है तो चलेगा, रुकने का कोई नाम नहीं। और आइए अब बता दें आपको कल का तापमान। कल का न्यूनतम तापमान रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान रहेगा 33 डिग्री सेल्सियस, आसमान साफ रहेगा।
ये थे आज के मुख्य समाचार। अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।